गाजीपुर से दिनेश कुमार डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट के साथ शैलेंद्र कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। श्री स्वीट बैकेस की द्वितीय प्रतिष्ठान शाखा का गाजीपुर में हुआ शुभारंभ। गाजीपुर श्री स्वीट बैकेस द्वितीय प्रतिष्ठान शाखा का शुभारंभ जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के स्तंभ कहे जाने वाले परमानंद जायसवाल जी के हाथों संपन्न हुआ। श्री स्वीट बैकेस जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए द्वितीय प्रतिष्ठान शाखा श्री स्वीट बैकेस ददरी घाट चौराहा गाजीपुर पर ओपनिंग में काफी सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे और पूरे जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के तरफ से कोटि कोटि बधाई व मंगल शुभकामनाएं लोगों द्वारा दी गई तथा ग्राहकों की मांग को ध्यान में रखते हुए शोरूम में मिष्ठान के अलावा तरह तरह के खाने पीने के सामान उपलब्ध है ताकि यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कहीं और जाना ना पड़े और उनके सुविधा के हिसाब से सारे मिष्ठान उन्हें मिल सके। आइए हमारे साथ, हम आपको ले चलते हैं जिला गाजीपुर के पास में और मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिनेश कुमार अपने सहयोगी रिपोर्टर चलन कुमार अल्प आईएसपी के साथ में हम आपको पहुँचाते हैं जिला गाजीपुर में, जहाँ पर इस जिले के बहुत ही काफी खूबसूरत और इस जिले की पहचान बनने जा रही है। ये जो इस समय जो वर्तमान में शोरूम में हम खड़े हैं उसका नाम है, अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि इस दुकान की जो लोकेशन है और इस शोरूम का जो लोकेशन है अपने कैमरे के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाएं। इसका नाम सबसे पहले दिखाएं, कितना खूबसूरत इस शोरूम का नाम दिया गया है श्री, कितना अच्छा नाम है इसका, जो कि श्री शब्द मतलब हर जगह लगाया जाता है, जो जहाँ पर जो बड़े लोग हैं है? तो इस तरीका से भी इस शोरूम को जो कि अच्छी नाम से संबोधित किया गया है। तो हम आपको सबसे पहले यहाँ के जो इस शोरूम के जो मालिक हैं उनसे हम बातचीत करवाते हैं कि उनके मन में क्या विचार था इतने अच्छे तरीका से शोरूम खोलने का, क्या उन्होंने लाइफ में इस तरीका की भावना कभी लाए थे। मैं ऐसी जो कि शोरूम खोल करके यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जो और भी जो मतलब महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनको इस प्रकार के मतलब सुविधा देने के लिए आगे आएंगे। तो आइए हमारे साथ में यहाँ के जो शोरूम के जो मालिक हैं उनसे हम बातचीत करवाते हैं। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम सोनू है जी। भरोसे को कायम रखा और इस साइड के लोगों को डिमांड देख रहा हूँ, भैया आप आइए आइए। आपने ये जो शोरूम खोल रखा है तो इसमें आपने किस प्रकार के आइटम रखी है? मिठाई और बेकरी, बेसिकली सब मैन्युफैक्चरिंग अपना खुद का है, यही है। तो आप अपने ग्राहकों को इस शोरूम के माध्यम से किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं गाजीपुर के आसपास के लोगों को? भैया पूर्वांचल का मिठाइयों में भाई माना जाता है पूरे हमारे इंडिया में, देशों में, बस उसी को बरकरार रखने की कोशिश है। एक छोटी सी पहल है लोगों के सामने जो जाए क्वालिटी की मिठाई है, यही है। अगली कड़ी में हम और भी यहाँ के जो मतलब इस परिवार से जुड़े हुए हैं जो कि मालिक के रूप में खड़े हैं उनसे भी हम बातचीत करवाते हैं। अपने कैमरा मैन से चाहेंगे सबसे पहले इनका मतलब एक खूबसूरत चेहरा दिखाएं ताकि जो हमारे दर्शक उनको देख के पहचान सके कि नहीं श्री स्वीट हाउस के और शोरूम के ही एक हैं जो कि इतने बड़े मतलब शोरूम का स्थापना किए हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको अच्छी तरीका से सुविधा देने के लिए तत्पर हुए हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं। जी सबसे पहले अपना नाम बताएं। परमानंद जायसवाल। नमस्कार जी। परमानंद जायसवाल जी, आपने जो शोरूम खोल रखा है तो इसके लिए आप यहाँ के स्थानीय लोगों से गाजीपुर जिले के जो भी लोग हैं उनको किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे अपने श्री शोरूम के माध्यम से? ये हमारा शोरूम जो है पिछले 4 साल से यहाँ पे चल रहा है, शुद्धता और स्वच्छता की गारंटी है, वही हम बरकरार रखना चाहते हैं। किस प्रकार से आप गारंटी दे सकते हैं शुद्धता के लिए? हर चीज़ अपना यहाँ अपना मैन्युफैक्चरिंग अपना बनाया हुआ है। तो क्या आपने शुद्धता के लिए यहाँ की जितनी भी मिठाइयाँ बनाई गई हैं तो क्या आपने इसके लिए अपने खुद का कारीगर रखा है या फिर अलग से मार्केट से लाते हैं? यही अपना कारीगर है, यही मैन्युफैक्चरिंग होता है।
तो ये जो आपने यहाँ के जो कारीगर को रखे हैं तो क्या ये मतलब अदर स्टेट के हैं या फिर गाजीपुर जिले के ही हैं या फिर बंगाली लोग हैं? इसलिए कि मीठा में ज़्यादा करके जो कि बंगाली जो हैं कोलकाता के लोग काफ़ी मतलब आगे हैं, तो क्या आपने इस शोरूम के लिए अपने विकास के लिए या फिर यहाँ के स्थानीय लोगों को अच्छी मिठाइयाँ देने के लिए क्या कोलकाता से बंगाली लोग खुला है या फिर बंगाली भी और हिंदुस्तानी भी? चलिए अगले कड़ी में हम और से लोगों से मुलाकात करवाते हैं, देखते हैं उनका क्या विचार है इस शोरूम के लिए। जी सर, अपना नाम बताएं आप। जी मैं राजेश जायसवाल और जायसवाल सदरी सभा गाजीपुर का मैं अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले तो मैं शुभकामना देना चाहता हूँ अल्पाई न्यूज चैनल को कि जो प्राइवेट सेक्टर में खाद्यान्न संबंधित चीज़ों पर बड़ा शेयर कर रहे हैं, जो लॉकडाउन का ये महामारी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जहाँ इस तरह के प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, आप लोगों को जन जागरूक करते हुए यह संदेश जन जन तक पहुँचाते हुए कि नहीं हमको खाद्यान्न चीज़ों में कहाँ शुद्धता मिले, तो मैं यह चीज़ घमंड के साथ कर सकता हूँ। आपको इस शोरूम में खड़ा होने से कैसा महसूस हो रहा है? गाजीपुर का है जबकि ये मतलब बहुत ही अच्छा मतलब देखने में लग रहा है। मैं आज आमंत्रित हुआ था तो मैं श्री स्वीट हाउस का जो आमंत्रण मिला मैं आया। जो यह प्लेस है गाजीपुर के सबसे खूबसूरत प्लेस में इसका दृष्टि होता है, जैसे बनारस का कैंटोनमेंट या आपका जो है सिगरा है, उस तरह गाजीपुर का यह सिगरा और कैंटोनमेंट एरिया से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो भी अगल बगल निवासी लोग हैं बहुत ही सुलझे शिक्षित। तो क्या है आपने यहाँ के जो आसपास के क्षेत्रीय लोग हैं तो इस के विषय में क्या उनसे चर्चा की है, तो उन्होंने क्या आपको मतलब जी यहाँ चूँकि जिस प्रतिष्ठान में यात्री स्वीट हाउस का नौकरी हुआ है इससे पहले इसमें कई तरह के मार्ग वगैरह खुले, मगर जो नज़दीकी लोकल लोगों की एक सूत्री मांग थी कि काश यहाँ जो है खाद्यान्न सामग्री या स्वीट हाउस खुलता तो हम लोग को काफ़ी दूर नहीं जाना पड़ता और जो हम लोग शुद्ध चीज़ नहीं पा रहे हैं इसका मलान लोगों में रहता था और इसकी चर्चाएँ हो रही करती थी और लोगों की भावना को समझते हुए हमारे परमानंद जायसवाल जी, सोनू जी, क्योंकि इनकी आरके पीके पर एक स्वीट थ्री स्वीट हाउस प्रथम जो है इनका शोरूम था आरके पीके के पास पर, आरके पीके पेट्रोल पंप जो है वहाँ पर एक आपकी दुकान थी जहाँ पर लोगों का आना जाना यहाँ के लोगों का काफ़ी था, तो इन्होंने लोगों को जनहित में और इस कोरोना लॉकडाउन में लोगों को जो है शुद्ध मीठा और जो भी बेकरी है उसका देने का आपका संकल्प है और मांगलिक कार्यक्रम में आपने यह निर्णय लिया है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को हर तरह का सहयोग देंगे और आप सोशल से भी जुड़े हैं हमेशा सोशल। आपको हमारा समय हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा इस शोरूम के जो मतलब मालिक हैं और भी जो इस शोरूम से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हम अपने इस शोरूम के माध्यम से अच्छी चीज़ें उन तक उनके पास पहुँचाने के लिए मतलब अच्छी से अच्छी व्यवस्था ताकि उनका जो शोषण हो रहा है मिठाई हो या और कोई सामग्री हो तो हम अपनी तरफ से इतनी कोशिश करेंगे कि उनका शोषण ना हो, उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्था दी जाए। तो इसी के साथ में मैं अल्पाई एक्सप्रेस के साथ में डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिनेश कुमार गाजीपुर से धन्यवाद। चाय गुरु रिपोर्टर सलन कुमार। आइए हम अगली कड़ी में और भी लोगों से मुलाकात करवाते हैं। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे फिर से दोबारा से कि आज जो गाजीपुर की पहचान बनने जा रही है श्री स्वीट शोरूम हाउस, इस तरीका से ज़्यादातर देखने को मिलता है कि सिटी एरिया में ज़्यादातर करके ऐसे शोरूम खोले जाते हैं, लेकिन आज गाजीपुर का इतिहास बनने जा रहा है। इसी इतिहास के उपलक्ष्य में देखिए बगल में हमारे खड़े हैं इस शोरूम के संबंधित लोग हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इस शोरूम के विषय में इनका क्या विचार है। सर आपका नाम? सर अवधेश कुमार जायसवाल जी, मैं यहाँ गाजीपुर का निवासी हूँ। सन 2017 में श्री स्वीट के पहले फर्म का उद्घाटन भाई परमानंद जी ने किया था, उस 2017 में हुआ था। फिर आज जो कि एक है वो दुकान लंका परिस्थित आरके पी के पेट्रोल पंप के सामने इन्होंने दिया था, लेकिन इनकी क्वालिटी, इनकी गुणवत्ता और इनकी वैरायटीज को देखते हुए बहुत सारे लोग का ये डिमांड था, क्योंकि हम लोग शहर के बीचों बीच रहते हैं
ये दिक्कत सबकी थी कि भाई हम लोग वहाँ लंका बच्चे को जा तक नहीं पहुँच पाते हैं। 100 रूम भैया आप शहर में दीजिए, और आज उसी कड़ी को पूरा करते हुए परमानंद जी ने ये शोरूम यहाँ शहर के मध्य बिल्कुल महुआ बाग चौराहे पर दिया है। और ये कहिए कि ये प्रतीक्षारत शोरूम है, बहुत दिनों से लोगों के इनके शोरूम का इंतजार था, और इनकी क्वालिटी और गुणवत्ता से लोग इतना प्रभावित थे कि हर आदमी जाना चाहता था, लेकिन समय अभाव या साधन या थोड़ी दूरी की वजह से वहां तक नहीं पहुंच पाता था। तो जो आरके बीडीओ पेट्रोल टंकी पर थ्री स्वीट हाउस खोला गया था, तो क्या प्रेजेंट टाइम में बंद करके आज यहाँ खोला गया है कि वहाँ पे वो चल रहा है? जी नहीं नहीं, वो सारों वो शोरूम भी चलेगा और ये शोरूम भी चलेगा। वो उस इलाके के कस्टमर को कवर कर करके, चूंकि वो हाईवे पर है, बहुत सारे लोग जो आने जाने वाले हैं वो वहाँ तक आते ही जाते रहते हैं, और वहाँ खुद उस शॉप की एक बहुत अलग पहचान बन चुकी है। और यहाँ देने के बाद तो ये भागी का एरिया जो है, जो लोग दूर दराज की वजह से जो महिलाएं जो परिवार वाले वहाँ नहीं पहुँच पाते थे, वो अब यहाँ आएंगे। निश्चित रूप से परमानंद जी बधाई के पात्र हैं, जो इन्होंने शहर के बीच में इतना बढ़िया इतना भव्य स्वरूप उन लोग की शुभकामनाएं हैं। ये दिन दुनी रात चौगुनी तरह आपको क्या लगता है कि मतलब जो शोरूम खुला है उन्होंने इसके लिए कितना दिनों से मेहनत किया था, इसके विषय में आप क्या? मेहनत की बात आप ये समझ लीजिए कि इनके 3 बच्चे हैं, और इनका बड़ा लड़का जो बीटेक कर करके बाहर की नौकरी किया करते थे, और अचानक से व्यवसाय में उतरे। और निश्चित रूप से देखिए, जब शिक्षा और व्यापार दोनों का समावेशन होता है, एक शिक्षित इंसान जब व्यापार में उतरता है तो क्रांति आता है। तो क्या वो अपनी नौकरी छोड़कर के बिजनेस लाइन में आए हैं कि आप नौकरी करते ही? जी, नौकरी छोड़ करके वो बिजनेस लाइन में आए हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छी सोच, गुणवत्ता, क्वालिटी, रेट, सारी चीज़ों का समागम इनके पास है, वेराइटीज है। तो यह काम इनका निश्चित रूप से यहाँ शहर के लोग बहुत अप्रिसिएट कर रहे हैं और बहुत तरक्की। चलिए, आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिनेश कुमार, अल्पाई एक्सप्रेस के साथ में अपने सहयोगी रिपोर्टर चलन कुमार के साथ।